हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पनीर के पराठे, पनीर पराठा, मेरी चाय, ये दूध चाय। कलर तो एक जैसा दिखने दे लेकिन दोनों के। हाय गाइस, नाश्ता वास्ता करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। बस अब मुझे नहाने जाना है एंड मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। होप सो कि आज मेरी शादी की वीडियोस आ जाएंगी, तो अगर आ गई तो आई विल शेयर माय वीडियोस विद यू। और मैंने सुना है कि दिल्ली में बारिश होने वाली है, तो देखते हैं। अगर बारिश हो गई तो फिर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा मौसम। आज भी, आज डेट है 22nd of January, तो अभी तक तो धूप आ गई है, मतलब थोड़ी थोड़ी ही आई है, बिल्कुल ना के बराबर, बट हवा बहुत तेज़ चल रही है। एंड मुझे पार्लर भी जाना है, तो पहले मैं सोच रही हूँ कि या तो अर्बन क्लैब से घर पे ही बुला लेती हूँ, उस पर मेरे पास ऑफ़र भी आया हुआ है एक, तो वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि घर पे बुलाना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो देखते हैं आप कैसे होता है थोड़ा सा। और कल 23rd of January है, कल मेरी शादी को 6 महीने हो जाएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और मेरी वीडियोस लाइक करो। कल जैसे भी होगा, जो भी सेलिब्रेशन होगा, मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। तो लेट्स सी कि कल क्या प्रोग्राम बनता है। जाते हैं कहीं, घर पे ही रहते हैं, मतलब कुछ तो डिफरेंट करेंगे ही, देखते हैं। बाकी अभी मैं सोच रही थी कि पहले मैं यहीं, कल तो मैं मम्मी के घर पे ही नहाई थी, आज मैं सोचूँ यहाँ से नहा के ही, नहीं तो फिर मेरे को कपड़े ले जाने पड़ते हैं, तो यहीं से नहा के मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ। एंड वहाँ पे फिर जिंजर टाइसन भी होते हैं तो मन लग जाता है, अकेले मन नहीं लगता। तो लेट्स सी अब क्या वो बनता है मेरा, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री हो गई हूँ। लंच कुछ बनाना नहीं था क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है, लंच कुछ बनाना नहीं था। एंड अब मैं सोच रही हूँ, अभी मेरे दो तीन मैंने अपने रूटीन फेस क्लीन अप होता है, जो मतलब मेरा रूटीन है, मेरे यहाँ पर ब्लेमिशेस हो गए थे, पिगमेंटेशन आने लग गई थी, तो उसके लिए मैं सिरम यूज़ कर रही थी लैक्मे का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक फ़िलहाल एक फ़ेस वॉश यूज़ किया ब्लेमिशेस का, डॉट एंड की का, वो भी मेरे को बहुत सूट किया है। मेरे ये पिगमेंट्स पहले से बहुत कम हो गए हैं, यहाँ पर मेरा पैच बना रहता था दोनों, उसमें तो काफ़ी कम हो चुके हैं। एंड लेट्स सी कि आगे क्या करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नहा के, रेडी होके मैं आपसे मिलती हूँ। एंड फिर मेरे को जाना है क्लास के लिए, तो मैं आपसे रेडी होके मिलती हूँ। नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अब अभी पहले मैं मम्मी के घर जाऊँगी, फिर मम्मी के घर से मेरे को क्लास के लिए जाना है, वहाँ जाऊँगी, उसके बाद दिखाती हूँ। थोड़ा शीशा गंदा हो रहा है ना, आके साफ़ करूँगी अब इसको। आज बहुत सारा काम फैला हुआ है घर में, तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ। आ गई थी मैं मम्मी के घर, अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लास के लिए। और ये देखो, इससे मिल लो। हाँ बेटा, क्या कर रहा है? वही लग गई बेटे के। चलो फ्रेंड्स, फिर मैं क्लास से फ्री होके आपसे मिलती हूँ, बाय। हाय गाइस, आई एम बैक होम। मैं घर आ चुकी हूँ पढ़ा के और थक चुकी हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बच्चों के, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है बच्चों को। और उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ मैं कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करूँ, जो कि मैं अपने रूटीन में यूज़ कर रही हूँ आजकल, ताकि मेरा ये जो मेरा टेक्स्चर है, आप देख सकते हो पास से, ये मेरा टेक्सचर थोड़ा ख़राब हो रहा है स्किन का, उसको क्योर करने के लिए मेरे ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अब शायद एज भी बढ़ रही है, तो हो सकता है उसके कारण थोड़ा हम लोग खाते गंदा है, मतलब बाहर का ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। तो
मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को भी, मतलब ये डॉक्टर से रिकमेंडेड नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे मेरे को बहुत वो मिला है अच्छा रिजल्ट। तो इफ़ अगर आपको भी ब्लेमिशेस या पिगमेंटेशन, पिंपल्स या कुछ छोटे छोटे ये दाने हो जाते हैं, इनकी शिकायत है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ जो प्रोडक्ट शेयर करूँगी वो, मतलब वो एवरी स्किन टाइप के लिए, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है ऑयली एंड ड्राई दोनों। तो मेरी ये जो बीच का पोर्शन है ये ऑयली है ओनली इन समर्स, विंटर्स में मेरी बिल्कुल ड्राई स्किन है। विंटर्स में टोटली मतलब ऐसा लगता है कि ये स्किन भी उतरने लग जाती है मेरी, इतनी ड्राई है। तो मेरे को अच्छा मॉइस्चराइज़र और ये सब चीज़ें, मतलब अब से मैंने ज़्यादा केयर करना स्टार्ट किया, पहले मैं इतनी केयर नहीं करती थी अपनी स्किन की। तो चलिए देर ना करते, मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरा, ये है मेरा फेस मिस्ट। ये इतना, ये बहुत रिफ्रेशिंग है, आप भी इसको यूज़ करके देखिए। ये मैंने लिया था, ये मैंने मंगाया था स्मिटन से, बिकॉज़ वहाँ पे टेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो आई वांटेड टू चेक कि मेरे फेस पे ये चीज़ें सूट करती हैं कि नहीं। तो दिस इज़ फ्रॉम स्मिटन्स। इसको मतलब इतना रिफ्रेशिंग है, इसको मैं मॉर्निंग में इवनिंग में दो बारी स्प्रे करती हूँ अपने फेस पे। सेकंड आता है मेरा ये डॉट एंड की का ब्लेमिशेस क्लेंजिंग का फेस वॉश। ये मतलब बहुत ज़्यादा फोमिंग फेस वॉश नहीं है, इसका हमें छोटा सा अमाउंट लेना होता है और उसको अच्छे से अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में रब करके फिर इसको हमने वॉश करना होता है कोल्ड वाटर से। तो इसके जो रिजल्ट्स आए हैं गाइस, फ्रेंड्स, इसके जो रिज़ल्ट आए हैं ना मेरी स्किन पे, इट इज़ अमेजिंग। ये मेरे को मेरी सिस्टर ने रिकमेंड किया था कि क्योंकि उसके भी बहुत ज़्यादा एक्ने होते थे फेस पे, तो उसने ये यूज़ किया था। तो अभी भी मेरे है ये थोड़ा थोड़ा, मेरा ये वेदर के कारण हो जाता है, बट पहले से मेरी स्किन बहुत बेटर है इसको यूज़ करने के बाद। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा प्रोडक्ट। इसको इससे फेस वॉश करने के बाद या तो मैं अप्लाई, ये वाला तो मैं डेली दो टाइम अप्लाई करती हूँ, ये वाला सीरम, ये लैक्मे का विटामिन सी सीरम है। इससे मेरी रेडनेस जो है फेस की वो ख़त्म हो चुकी है, मेरे को बहुत रेडनेस हो जाती थी अंडर आइज़ पे, तो इस प्रोडक्ट से वो ख़त्म हुई है मेरी। एंड और जो मेरा दूसरा सीरम है वो ये है एसेंशियल एक्सट्रैक्ट का गोल्ड सीरम है, जो 24 कैरेट गोल्ड सीरम, सबसे अच्छा सीरम इनमें से मुझे ये लगा है। इससे मेरे फेस पे ग्लो भी आया है, गोल्ड जैसा ग्लो आता है, एंड मतलब स्किन मेरी रिपेयर हुई है इससे। ये एक्चुअली ये सारे ट्रायल पैक्स थे, स्मिटन से ऑर्डर करे थे मैंने, अब इनके मैं जो बिग पैक्स होते हैं वो मंगाऊंगी। ये भी जस्ट ये ख़त्म ही होने वाला है मेरा सीरम, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरम मेरा ये था। एक सीरम है मेरा ये पिलग्रिम का, ये भी बहुत अच्छा सीरम है, ये भी ट्रायल पैक मंगाया था मैंने। ये भी बहुत, ये हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है कि हमारी स्किन जो ड्राई स्किन होती है उसको हाइड्रेट रखता है ये। तो इसको भी मैं मतलब डेली तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, बट वंस इन अ वीक ये करती हूँ, सुबह भी और शाम को भी, और वंस इन अ वीक ये करती हूँ, बीच बीच में गैप देती हूँ कि ये वाला, इसके लिए गैप देने के लिए ये यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है मेरी लिप्स को हाइड्रेट रखने के लिए निविया की लिप बाम, बहुत अच्छी है ये, आप लोग, आप में से बहुत से लोगों ने यूज़ करी होगी। और है ये लिवॉन, जो कि मेरे बालों के लिए है, शाइनी सिल्की रखने के लिए मेरे बालों को। मेरे को अगर किसी को पता हो कि कौन सा सीरम बालों के लिए अच्छा है तो प्लीज़ मुझे रेकमेंड करिए, मुझे बताइए कि कौन सा सीरम मैं यूज़ करूँ अदर देन लिवॉन। ये पतंजलि का ना एक फेस पैक है, मुल्तानी मिट्टी टाइप नीम वाला, तो ये भी मैं वीक में या दो वीक में एक बारी कभी यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखानी भूल गई, ये जो पिलग्रिम का नाइट क्रीम है ना, इसको मैं पिलग्रिम की इसके साथ ही यूज़ करती हूँ जो सीरम है। फर्स्ट आई अप्लाई द सीरम, 30 मिनट्स इसको ड्राई, 30 सेकेंड्स इसको ड्राई होने देती हूँ, एंड उसके बाद मैं नाइट क्रीम अप्लाई करती हूँ रात में।
ये वाला सीरम मैं ज़्यादातर रात में ही यूज़ करती हूँ, जो ये आपको मैंने पिलग्रिम का वो दिखाया, ये वाला देख लीजिए, आप भी ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब नॉर्मल टू ड्राई स्किन भी है। इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स वैसे आई थिंक नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ही है। मेरी ड्राई है तो मैं पर्टिकुलरली ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। और है मेरे पास जस्ट हर्ब्स की लिप एंड चीक टिंट, ये बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट देती है लिप्स को भी एंड चीक्स को भी। नो मेकअप मेकअप लुक के लिए मैंने ये रखी हुई है, ऑल द मैं इसको कम ही यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ किया है। मामा अर्थ की एलोवेरा जेल मॉइस्चराइज़र, ये मेरे ट्रैवल पैक्स हैं, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो दे आर विद मी ओनली। ये बहुत इजी टू कैरी है, छोटी सी एंड बहुत हाइड्रेटिंग है, ये फेस को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करके रखती है। एंड इसी का मामा अर्थ का ही सेम जिस उसकी जैसे एलोवेरा की है ना ये भी, हाँ एलोवेरा जेल मॉइस्चराइज़र है, वैसे ही ये एलोवेरा का फेस मॉइस्चराइज वो है फेस वॉश, ये भी सेम ऐसे ही है, मतलब इंस्टेंट ग्लो आता है इससे फेस वॉश करने पे। एंड इंस्टेंट मतलब इससे वॉश करने के बाद मैं ये क्रीम लगा लेती हूँ, जो जेल है ये जेल फॉर्म में है। तो अभी तो मेरे पास ये ही प्रोडक्ट्स हैं जिनसे मैं अपना डेली रूटीन में जो थोड़ा बहुत है स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, मेरे को हर चीज़ हर प्रोडक्ट सूट नहीं करता। तो पहले मैंने अपनी सिस्टर के पास ये यूज़ किया था डॉटन की का, जो मैंने आपको ये दिखाया है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर लिया उसका बिग पैक। तो ऐसे ही मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाती हूँ, मैं मेकअप भी करती हूँ, मतलब जैसे कहीं पार्टी फंक्शन में कहीं जाना होता है तो भी मैं मेकअप करती हूँ ना, तो मेरे ये छोटे छोटे जैसे आप देख रहे हैं ये पिंपल्स आने लग जाते हैं, छोटे छोटे से ये एक्ने होने लग जाते हैं। बट पहले से मेरी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत बेटर हो चुकी है। अभी सर्दियां हैं, मे बी पानी कम पी रहे हैं इस वजह से भी ये दाने हो सकते हैं कि ये छोटे छोटे दाने निकल आए हों, बट ऑल ओवर ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए हैं ना, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है एंड मेरे को सूट किया करें ये सारे प्रोडक्ट्स। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको किसी को रेडनेस की, ब्लेमिशेस, पिगमेंट्स की प्रॉब्लम है तो आप ये वाला फेस वॉश एंड ये गोल्ड सीरम, ये एसेंशियल एक्सट्रैक्ट का आई एम सॉरी, और ये लैक्मे का, ये तो आप ज़रूर यूज़ करिए। एंड कोई अच्छा सा जो मॉइस्चराइज़र हो ना, जो थोड़ा ऑयली हो, मेरे पास मॉइस्चराइज़र है बट मुझे अभी मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। ब्लॉसम कोचर का है, वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ही है, थोड़ा लिक्विड ही है बट वो ग्रीसी नहीं होता, तो पैची स्किन नहीं लगती, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नहीं लगती, नॉर्मल स्किन लगती है। तो आप ज़रूर ये प्रोडक्ट्स ट्राई करिए, अगर चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स, मेरे कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिन्हें मैंने आपसे शेयर किया है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं तो मैं अकेली क्या करूँगी घर पे, तो मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ उनके साथ ही आऊँगी वापस कि वो मुझे रास्ते में से पिक कर लेंगे। तो फिर मैं जाती हूँ मम्मी के यहाँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर पे और ये रहा जिंजर मेकिंग हिज बेड और ये रहा टाइसन, सॉरी है टीशी बेटा, हो रही फिशेस, हो रही ये चिड़िया है एंड ये रही मैं। तो मैं आपको कल कह रही थी ना फ्रेंड्स कि मैं आपको वो एग दिखाऊंगी, थर्मोकोल बॉल जैसा एग है जो, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा फ्रेंड्स वो एग देखो, एंड ये सच में एग है बट इट इज़ ओन बाय द बर्ड्स सी। सो अब आई एम प्लानिंग कि मैं डिनर यहीं करके जाऊं और मेरे हस्बैंड थोड़ी लेट आएंगे, तो सोच रही हूँ कि डिनर यहीं से करके जाऊंगी मैं, तो अच्छा है ना, मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा तो इस वजह से।
चलो मैं आपसे मिलती हूँ, कुछ बातचीत कर लेती हूँ मम्मी से, सिस्टर से, फिर आपको बताती हूँ कि क्या क्या प्लान बनता है मेरा। मैं जाती हूँ, मेरा प्लान यही है कि मैं यहीं हूँ अभी रात तक, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट आएंगे आज। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो मेरी सिस्टर, हाय कर दे। तो ये बना रही है, मतलब हेल्प मैंने भी कराई है, ऐसी बात नहीं है। एक मिनट रुकिए, कोई आया है। तो हेल्प मैंने भी कराई है इसकी, प्याज कट करने में। फ्रेंड्स अभी कॉल आया मेरे हस्बैंड का, मैं जा रही हूँ घर, डिनर में लेकर जाऊँगी। तो मैं अपने घर जाके आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ अपना डिनर। फिर अभी मतलब आधे घंटे तक निकलूँगी मैं यहाँ से, तब तक थोड़ा सा रेडी हो जाएगा खाना। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी अपने घर जाके। ओके बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे। ठंड इतनी है वहाँ से, मुझे मैं पहले कैप पहन के नहीं आ रही थी, फिर मैंने सोचा कि छोड़ने से बेटर है पहन ही लेती हूँ इसको। और बस अभी लंच वगैरह किया है मैंने, कर लिया हस्बैंड ने कर लिया लंच, में मम्मी गई इसे लेकर आई थी। तो ये चिट चैट इंजॉय, ये इसी की वजह से होते हैं ये जो। तो फ्रेंड्स अभी मैंने घी मंगाया है ब्लिंकिट से, सुबह पराठों के लिए घी खत्म हो गया था तो ये मैंने मंगाया घी। अभी ये भी अभी बिस्किट्स मंगाए हैं ब्लिंकिट से, बहुत सारा सामान मंगाया है, बटर मंगाया है, बटर भी ख़त्म हो गया था। एंड अब सब्जी लेने जाना है, अब देखती हूँ किस दिन टाइम मिलता है मुझे, उस दिन दोनों मतलब दोनों फ्री होने चाहिए, फिर सब्जी लेने जाते हैं। हम लोग जाते हैं गोल मार्केट से सब्जी लेकर आते हैं मंडी से। तो अब मेरे को पहली फरमाइश आ गई है कि सुबह आलू के पराठे खाने हैं, तो अभी मैं आलू बॉईल करके रख दूंगी ताकि मेरे को मतलब सुबह फिर टाइम नहीं लगता। फटाफट आटा गूंद के उसका मिक्सचर बना के आलू का, फटाफट पराठे बना दो, तो उसके बाद पूरे दिन के लिए सॉर्टेड है, फिर रात के खाने की टेंशन होती है। अभी बीच में मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, खाना ही नहीं खाते थे दिन में भी, मतलब एक रोटी खाते थे पूरे दिन भूखे, फिर रात को खाएंगे दो रोटी, खाली तो खाली नहीं तो वो भी नहीं, ऐसे ही सो जाना। और फिर उनको जॉन्डिस हो गया, मे बी पानी की वजह से, कहीं कुछ गलत पानी पी लिया या क्या किया पता नहीं, जॉन्डिस हो गया था। बट ही इज़ अब तो बहुत ठीक है पहले से, बट ये है कि वीक बहुत हो गए हैं, कमज़ोर बहुत हो गए हैं, वेट बहुत ज़्यादा लूज़ कर लिया है। तो अब मेडिसिंस तो चल रही हैं, अभी कुछ दिन की, एक हफ्ते की मेडिसिंस और रह गई हैं, आफ्टर दैट ठीक मतलब बंद हो जाएंगे मेडिसिंस। एंड बस डाइट पे ध्यान रखना, उन्होंने सूप वगैरह बोला डॉक्टर ने, जो कि वो पीते नहीं हैं, नक्चड़े तो होते ही हैं वैसे भी। और बट ये अच्छी बात है कि अब खाना खा रहे हैं प्रॉपरली, पराठे अब तो पराठे, पहले एक पराठा खा के ही कहते थे अरे अरे मेरा तो पेट बहुत भर गया है मैं नहीं खा सकता, तो बट अब ये चीज़ अच्छी है कि पेट भर के खाते हैं। जॉन्डिस से फिर कमज़ोरी आ गई, खाने का मन नहीं करता था कुछ, अब लगती है भूख, पहले भूख भी नहीं लगती थी उनको, तो वो बात है। और बस यही सब है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए लाइफ में, अभी तो कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग। कल है मेरी 6 month एनिवर्सरी, 23rd of July को, तो देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं। होप सो कि हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर लंच वगैरह बाहर ही करेंगे, बाकी देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता। देखो आज अभी तो प्रोग्राम बन गया है, बट कोई भरोसा नहीं है मेरे हस्बैंड के मूड का कि वो सुबह मना कर दे,
सुबह ये कह देंगे कि नहीं ऐसे कर लेते हैं कुछ और, मतलब कुछ कुछ और ही फिर उनके दिमाग में चलेगा, तो इसलिए फिर ये तो कल ही डिसाइड हो पाएगा। कि मैं बोल रही हूँ जहाँ तक मेरा मन है कि हम कहीं लंच पे चलते हैं बाहर, बहुत दिन हो गए नहीं गए। और तब तक आप हम मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए कल घूमने, या लंच पे, या कहाँ, मतलब कोई अच्छी जगह। और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि वो आपको छोटा सा जो थर्मोकोल बॉल जितना एग है वो कैसा लगा है, ज़रूर बताना फ्रेंड्स मुझे। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने हैं कि कैसा लगा वो छोटा सा, मतलब कैन यू बिलीव वो इतना सा वो अंडा, और उसमें से कोई चिक निकलेगा, आई मीन बेबी बर्ड निकलेगा, मतलब सीरियसली। बट मैं भी हैरान हुई थी उसको देखकर, मेरी बहन ने दिखाया था मुझे। और मैं आपको अपनी सिस्टर की मेकअप वीडियोस भी दिखाऊंगी, अब उसका थोड़ा वो स्टार्ट हो रहा है, उसके प्रैक्टिसिंग स्टार्ट हो रही है, तो मैं उसकी मेकअप वीडियोस दिखाऊंगी, तो मुझे बताना वो कैसा मेकअप करती है। वैसे वो ब्रिलियंट मेकअप करती है, मैं एक फ़ोटो अटैच करूंगी जिसमें उसने मेरी मेकअप करा हुआ है, तो देखना आप। ठीक है, तो गाइस अब मैं ना बहुत थक चुकी हूँ, आ रही है मुझे बहुत तेज़ की नींद, तो मुझे ज़रूर बताओ कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं कुछ ना कुछ कंटेंट आपको दिखाने की, तो मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, मेरी वीडियोस को लाइक किया करो। देखते तो बहुत लोग हैं बट लाइक कोई नहीं करता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो, थैंक यू। और अब मैं जा रही हूँ सोने, मिलते हैं कल सुबह। सब मेरे को कमेंट करके मेरी 6 मंथ एनिवर्सरी विश करना, मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।